संसद के अंदर जो अब इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर जो बवाल चल रहा है, कांग्रेस सांसद ने आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि ये सब जबरदस्ती में एक बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर कुछ अहम सवाल भी बनते हैं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के बोलने के बाद क्या इंडिया अलायंस को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के राहुल गांधी पर आरोपों के बाद क्या मणिपुर से ध्यान हटा है या भटकाने की कोशिश है। साथ ही साथ ये बात भी उठ रही है कि पहले दिन राहुल गांधी नहीं बोले थे, तो क्या ये कांग्रेस की रणनीति थी या तैयारी के लिए और वक्त चाहिए था। और राहुल गांधी के आरोपों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पलटवार करेंगे, इसको लेकर भी काफी उत्सुकता बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, हमारे एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स पार्लियामेंट से। हम उसके बाद जो हमारे इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं, विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। सुजीत ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं राजीव, और आपसे समझना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में आज जिस तरीके से पूरा फोकस कहें, स्पॉटलाइट कहें, तो राहुल गांधी के ऊपर था, और मुद्दा मणिपुर होते हुए अंत में एक फ्लाइंग किस पर आकर टिक गया। सारी वाद विवाद, एक शिकायत भी राहुल गांधी के खिलाफ हो गई, तो ये सारा मामला जो है, इस पर मैं कुछ बीजेपी सांसदों की ही बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं हमने तो ऐसा देखा भी नहीं, तो ये कहां से मामला आया और तूल कैसे पकड़ लिया इसने इतना। देखिए, राहुल गांधी जब भी इस तरह की बात पर संसद में रखते हैं तो कुछ न कुछ तूल जरूर हो जाता है, विवाद जरूर हो जाता है। पहले भी याद होगा उन पर आरोप लगा था कि आंख मारने का आरोप लगा था संसद के भीतर, आज उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अभद्र जो है एक फ्लाइंग किस का एक्ट किया, ये बीजेपी के महिला सांसदों ने लगाया हुआ। हालांकि कांग्रेस की जो महिला सांसद, उनका ये कहना है कि राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि जैसे ही आप विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, राहुल गांधी शुरू से ही फोकस में थे। पहले ये कहा गया कांग्रेस कॉल से कि राहुल गांधी जो है अविश्वास प्रस्ताव बहस की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जब चेंज किया गया, गौरव गोगोई ने शुरुआत की, तो उसी वक्त जो है कल जो है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उठ के कहे कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। तो जब गौरव गोगोई ने अपनी बात खत्म की मणिपुर के मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है, तो तुरंत जो उसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम तो राहुल की बात सुनना चाहते थे। तो राहुल शुरू से चर्चा में थे, उस समय यह कहा गया कि राहुल संभवतः इसलिए अपनी बात को उन्होंने नहीं रखा सदन में, क्योंकि प्रधान मंत्री मौजूद नहीं थे, और उसके बाद यह बताया गया कि जब प्रधानमंत्री सदन में होंगे तब वो अपनी बात रखेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस के सूत्रों द्वारा जानकारी लगी कि अगर ये पीएम जब बोलते हैं तो उस समय शायद जो है राहुल गांधी को मीडिया कवरेज उतना ना मिले, इसका रणनीति बदलाव किया गया, और आज राहुल गांधी ने मणिपुर के बहाने सरकार को घेरा। तो विपक्ष की पूरी रणनीति जो थी मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने में थी। विपक्ष को लगता है कि ये जो सरकार की जो दुखती रग है, और बार बार उसी को लेकर मणिपुर को लेकर हमला किया गया, कहा गया इतने लोगों की मौत हो रही है और रिलीफ कैंप में भी जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं है, पूरा मिशनरी फेल हो चुका है, और वैसे मुख्यमंत्री को क्यों बनाकर रखा गया। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल अपनी सरकार की उपलब्धियों को बखान करने के लिए किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद से लगातार जमीन से जो जानकारी वहां से आ रही है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। पर विनोद जी, मैं आपसे पहले सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की जो सांसदी वापस मिलने के बाद उनका ये पहला बयान था पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सारा हंगामा भी हुआ उनके बयान के बीच में, लगातार जो सत्ता पक्ष की जो लोग हैं वो लगातार तीखा टिप्पणी करते रहे। आप उनके बयान को, जो एंटिसिपेशन था, उसको किस तरीके से आंकते हैं? अगर 10 में से कहूं तो कितने नंबर देंगे राहुल गांधी के बयान को आप? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पुजारी हूं, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तकादे पर उतनी खरी नहीं उतरती जितना कि पब्लिक स्पीच के तकादे पर उतरती है। जो पार्लियामेंट्री स्पीच कल सही में आई कांग्रेस की तरफ से, वो गौरव गोगोई की थी, और अंकित मैं अपेक्षा नहीं करता था कि गौरव गोगोई इतनी सदी बात, इतनी विनम्रता से, इतनी शानीब भाषा में कहेंगे और इतनी लंबी देर तक बोलेंगे। तो मैं समझता हूं कि गौरव गोगोई में कांग्रेस को एक बहुत अच्छा पार्लियामेंटेरियन मिल गया है, जिसकी उसको तलाश थी लोकसभा। रही बात राहुल की, तो राहुल
कोई लीड स्पीकर नहीं थे, तो जब आप लीड स्पीकर नहीं हो, आप इंटरवीन कर रहे हो किसी डिबेट में, तो आपको पॉइंट अपना शॉर्टली मेक करना, और उसकी स्पीच उनकी जो थी 15 मिनट की स्पीच थी, और 15 मिनट में उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी, मेरी नजर में उनके हिसाब से ये बात जो उन्होंने कही वो इंडिया जो अलायंस है उसके नरेटिव को आगे बढ़ाने वाली बात है। जो उन्होंने कहा, इंडिया जो अपने आप को बोलता है ये ग्रुपिंग, उसका तात्पर्य यह है कि असल में सही इंडिया हम है। हमारे पर जो आप आरोप लगाते हो, जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, वही व्यवहार आप भारत देश पे, हिंदुस्तान पे कर रहे हो। ये टॉकिंग पॉइंट है विपक्ष की ग्रुपिंग के, ये कितने सार्थक होंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन जो उन्होंने ये बात कही कि ना सिर्फ मणिपुर डिवाइड हुआ है, वहां हिंदुस्तान डिवाइड हुआ है, मेरी माँ की हत्या हुई है वहां पर, तो एक वक्तव्य था बॉर्डरिंग ऑन इमोशन, और बेस्ड ऑन जो उसने वहां सुना मणिपुर में लोगों के द्वारा। तो मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि एज अ पार्लियामेंटेरी प्योरिटन मैंने आपको अपनी चॉइस बता दी। जी सुजीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी को बयान को, क्योंकि कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि कम से कम मणिपुर को लेकर इमोशनल आउटबर्स्ट भी अगर इसको अगर कहा जाए तो बड़ा तीखा प्रहार किया गया। प्रधानमंत्री की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग देशद्रोही हैं, आप लोग देश के खिलाफ हैं। इस तरीके का सीधा हमला जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी ने किया, तो जाहिर है चर्चा का विषय बन जाएगा कि अब प्रधानमंत्री किस तरह से जवाब देते हैं। और ये बात छुपी हुई नहीं है कि प्रधानमंत्री वक्ता के हिसाब से एक बहुत बेहतर ओरेटर हैं अगर राहुल गांधी से उनकी तुलना की जाए तो। जी निश्चित रूप से आपने जो कहा और जो विनोद जी ने कही बात, वो बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि संसदीय पत्रकारिता करते हुए जो हम लोग कवरेज करते हैं, जिस स्तर की भाषा नीचे गिर गई है संसद में, वो बिल्कुल ही अस्वीकार्य ही कहा जा सकता है। डिबेट बहुत ही खराब स्तर पर गया, जिस तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए गए। मामला ये था, कल बहुत अच्छा जब शुरुआत हुआ तो गोगोई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, टू द पॉइंट बात कही, मणिपुर में क्या होना चाहिए। उन्होंने सरकार बर्खास्तगी की बात की, उन्होंने कहा कि वहां पर किस तरह असम राइफल और वहां की पुलिस में भिड़ंत हो रही है, किस तरह की स्थिति है, उसका उन्होंने वर्णन किया। राहुल गांधी ने जब आज बोलना शुरू किया तो ये अविश्वास प्रस्ताव था जिस पर उनको चर्चा में, उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं यह इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें मणिपुर की कोई बात नहीं थी, वहां की कोई चिंता नहीं थी, सरकार के अन्य नाकामियां जो विपक्ष गिनाती है उन पर उन्होंने चर्चा नहीं की। एक पॉलिटिकल भाषण उनका था, और पॉलिटिकल भाषण ये था कि सरकार एरोगेंट है, आप डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं। उन्होंने राम रावण से तुलना की, अहंकार की बात की, और उन्होंने जो यात्रा की 130 दिनों की उसका जिक्र किया। तो अगर हम इसको सब्सटेंस के हिसाब से देखें तो मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखा राहुल गांधी के भाषण में। हाँ, राजनीतिक रूप से जो उनको माइलेज देना था, हेडलाइंस बनानी थी, वो उसमें सफल जरूर दिखे। विनोद जी, राहुल गांधी को पहले ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर ना उतारने से लेकर आज पहले चर्चा थी कि कल ही, क्योंकि लिस्ट में हमने देखा था नाम उनका था, उसके बाद उन्होंने कहा कि कल बात नहीं करेंगे, फिर ये बात हुई कि तीसरे दिन जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उससे पहले वो दोपहर में 12 बजे बात करेंगे, लेकिन फिर आज दूसरे दिन राहुल गांधी आए और अपना भाषण रखा, तो उसको आप किस एक कोई कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के तौर पर आप देख रहे थे, क्योंकि बीजेपी का जो लाइनअप था वो शायद बिल्कुल इसी तरीके से लाइनअप था कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे, फिर निशिकांत दुबे जो जाने जाते हैं गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादा कटाक्ष करने के लिए, वो उतारा था, उनसे शुरुआत करी थी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन्होंने अपनी, तो क्या कहीं ना कहीं इसको स्ट्रैटेजी के तौर पर आप देख रहे थे कि इनको बाद में लेकर आया गया, या कांग्रेस एक बार फिर से थोड़ी कंफ्यूजन में रही? देखो, ये रियलिज्म था अंकित, अगर तुम ध्यान से देखो, जब ये मोशन मूव हुआ था उस दिन एक रात पहले मैंने एक वरिष्ठ नेता, जो कि इंडिया ग्रुपिंग का एक वरिष्ठ नेता है, मैंने उनसे बात की, मैं कल मूव हो जाएगा, कहते कल कैसे हो जाएगा, वी हैव टू डू इट बिफोर 10 AM स्पीकर के सामने, तो कहता है कल कल नहीं होगा, परसों होगा। लेकिन अपने ही दम पर गौरव गोगोई ने सिर्फ इंडिया के कांग्रेस के बिहाफ पे वो मोशन मूव कर दिया, और उसके बाद फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी दोपहर को, मनीष तिवारी ने की, और मैं तो
आकस्मक ही देख लिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो नो ट्रस्ट मोशन है कांग्रेस का नहीं, ये इंडिया ग्रुपिंग का है। हाँ, कि गौरव गोगोई ने रिमूव किया है, लेकिन ये है इंडिया के बिहाफ पे। अब अगर ये इंडिया के बिहाफ पे था तो जो मेनलाइन स्पीकर होगा वो भी तो बातचीत कर और जो सहयोगी दल है तभी तो फैसला लिया जाएगा ना। तो वो यूनिलैटरलिज्म मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस दिखाना चाहती थी। और दूसरा, जो चुनाव था गौरव गोगोई का वो सही था, स्वयं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तरुण गोगोई के बेटे हैं और जाने माने परिचित चेहरे हैं वहां पर, ना सिर्फ असम में पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में परिचित चेहरे हैं वो। तो उनकी जो कल कारगर्दगी थी, जो उनका परफॉर्मेंस था, मैं समझता हूं कि अगर पीछे मुड़ के देखे तो कांग्रेस शुड नॉट रिग्रेट। और दूसरा, जो आज राहुल गांधी ने भाषण दिया है वो प्योरली पॉलिटिकल भाषण है और उसमें जो इमेजरी है वो भी पॉलिटिकल है, सेंस ऑफ इमेजरी, मेटाफर्स भी सारे पॉलिटिकल है। और जो गौरव गोगोई बोल रहे थे वो तथ्यों के सार पे। देखिए, पब्लिक स्पीकर्स और पार्लियामेंटेरियंस में बहुत फर्क है जी। वो जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकर अच्छे होते हैं लेकिन पार्लियामेंटेरियन अच्छे नहीं होते, और इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। तो गौरव गोगोई इज अ गुड पार्लियामेंटेरियन एंड राहुल गांधी गेव अ स्पीच जो कि वैसे उसको कहते हैं, देखिए जो जवाब में स्पीच दी गई थी निशिकांत दुबे की वो फिलिबस्टरिंग थी। वो कुछ स्पीच थी क्या? इट वॉज फिलिबस्टरिंग, यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट हर इशू, उस इशू पे बात कर रहे हो लेकिन वो जो मुख्य मुद्दा है जिसपे सब हुआ उस पर बात नहीं की, और इन्होंने सिर्फ उसी पे बात की, एक ही मुद्दे पे बात की। तो क्या सुजीत जी, ये जो विनोद जी कह रहे हैं, स्मृति ईरानी का जब जवाब भी आया तो हमने देखा कि पहले शुरुआत में कई मिनटों तक मणिपुर को लेकर कोई बात नहीं हुई, तो पॉलिटिकल बयान का जवाब भी क्या पॉलिटिकल बयान से रहा? तो पार्लियामेंट के अंदर जो बात हो रही थी तथ्यों पे बात करने की, शायद वो दोनों तरफ से थोड़ी कमी दिखी। आज कोशिश थी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की। निश्चित रूप से ये इस संसद के सत्र में जिस समय यह हुआ कि मणिपुर पर चर्चा होगी और जिस तरह से विपक्ष चढ़ा, सरकार हरी, तो मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पाया। तो उन्होंने जिस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला हुआ और स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट किया तो स्टेज तो उसी समय सेट हो गया था कि चर्चा मणिपुर तो एक बीच में बिंदु है, चर्चा होगा पॉलिटिकल। और कल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग थी उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आखिरी बॉल पर सेमीफाइनल हम जीत के आखिरी बॉल पर छक्का मारना है। तो निश्चित रूप से यह पॉलिटिकल गेम ही बीजेपी भी समझ रही थी, कांग्रेस का भी यह मंतव्य था कि हम पॉलिटिकली ले जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा अगर होता तो नो कॉन्फिडेंस का कोई सवाल ही नहीं था, किसी भी नियम के तहत चर्चा हो सकती थी। लेकिन जब भी नो कॉन्फिडेंस आया तो सरकार को हर जगह घेरने की बात थी और भाजपा वाले भी इसी के बहाने राजस्थान का मुद्दा, मध्य प्रदेश का मुद्दा या किसी और जगह का मुद्दा उठाएंगे। उसकी तैयारी बीजेपी में पहले से चल रही थी, लेकिन ये जो डिबेट कल से और आज तक हुआ है, जैसा विनोद शर्मा जी ने फिर कहा और मैं भी उस बात से सहमत हूँ, मैंने भी कल सुना, सिर्फ और सिर्फ तरुण गोगोई ने मणिपुर रिलेटेड बातें की, उसके जवाब में किसी भी, चाहे भाजपा की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या किसी और पार्टी की तरफ से हो, मणिपुर को या इशू पर चर्चा नहीं हुई, सबने पॉलिटिकल भाषण किया और पुराने में पिछले क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये हुआ, मणिपुर कोई चर्चा नहीं हुई जी। विनोद जी, मैं एक सवाल अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद चर्चा खत्म करेंगे। दो पहलू हैं, एक तो राहुल गांधी के फिर से एक कि वो फ्लाइंग किस हुआ नहीं हुआ, भद्र है नहीं है, कि उन सबको लेकर एक पूरा माहौल बन गया। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो जब वो आते हैं तो इतना माहौल उनके आसपास बन जाता है कि मुद्दों से वैसे ही चर्चा थोड़ी अलग हो जाती है। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, क्योंकि शुरुआत में स्मृति ईरानी के बोलने से पहले ही वो बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उसके काफी देर बाद सडनली ये रियलाइज किया गया कि ऐसा भी कुछ हुआ है, राहुल गांधी ने कुछ फ्लाइंग किस कर दिया है, फिर उस पर कंप्लेंट भी चली गई। तो क्या ये मुद्दे से पूरा भटका के राहुल गांधी पर लाने की, जो शायद इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनेगी कि बात कुछ भी कर ले घूम फिर के वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी या राहुल गांधी पर आ जाती है? ये उनका कोशिश है, और ये वो कितने कलाकार हैं इंडिया ग्रुपिंग वाले, कितना इसमें से व्यूहरचना से निकलते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। देखिए, राहुल गांधी आज की राजनीति का अभिमन्यु है, उसको चक्रव्यूह में तो बीजेपी लेने की कोशिश करेगी क्योंकि वो समझती है कि वो आदमी अभिमन्यु है, क्योंकि
और वो अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह के भीतर नहीं रहा तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है और दिक्कत पैदा की है उसने काफी हद तक उनके लिए। रही बात फ्लाइंग किस, आई ब्लो फ्लाइंग किस टू माई डॉटर ईच टाइम आई लीव होम। भैया तुम मुझे गाड़ी में मिल जाओगे, मैं अपनी गाड़ी में हूं, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी की बगल से निकल रही है, मैं तुम्हारा अभिनंदन करूंगा विद अ फ्लाइंग किस या यूं कर दूंगा। ये तो बड़ा इनॉक्यूस जेस्चर है। और शोभा जी जो कि बेंगलोर से आती हैं, उन वो इस पॉइंट को रेज कर रही हैं, वहां तो वहां जो अर्बन मिडिल क्लास है वहां तो एक कॉमन तरीका है अभिनंदन करने का मैं समझता हूं। और देखिए बात यह है कि इस देश में वैलेंटाइन डे पे कपल्स आर बीटन अप, इस देश में छोटी छोटी बात में हम कहां ले जा रहे हैं इसको। इज दिस एन ऑब्सीन जेस्चर फ्लाइंग किस? हाँ, अगर आप इतने ही डाइड इन द वूल और प्यूरिटन और इतने ही सख्त मजाज के लोग हैं तो फिर आप बहुत कुछ इस देश में हो रहा है उसको बंद कीजिए। आप इस देश में जो छोटे छोटे कपड़ों पे प्रतिबंध लगाते हैं मिडिल क्लास खड़ी हो जाती है ना आपके खिलाफ। तो ये इल्जाम उस पार्टी से आया है, माफी चाहता हूं, उस पार्टी से आया है जो यंग महिलाओं को अपने पसंद के कपड़े नहीं पहनने देना चाहते, जो ये ताकीद देते हैं कि ये आपका ड्रेस कोड होगा। तो ये अनर्गल बहस है, लेकिन पॉलिटिक्स में एज यू नो जो जीता वही सिकंदर। तो ये ड्रेस, ये किसकी स्क्रिप्ट जीतेगी, ये तो कांग्रेस के स्क्रिप्ट राइटर और बीजेपी के सिक्स उनमें प्रतिस्पर्धा है, तो देखते हैं क्या होता है। राइटर्स की प्रतिस्पर्धा जरूर है विनोद जी, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, स्क्रिप्ट है ये पूरा, स्क्रिप्टेड मामला लगता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी पर वैसे भी पार्लियामेंट में इससे पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते नजर आए थे, फिर एक बार अपने भाषण के बाद आंख मारते नजर आए थे। पर कमाल की बात है कि जिनको आंख मारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अब बीजेपी के खेमे में जरूर हैं, लेकिन उनके खिलाफ ये जिस तरीके का जो ये पूरा माहौल बना है इसका असर क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुजीत जी आपका भी।